नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, नौबतपुर में श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का श्री हनुमंत कथा के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। अब ऐसे में तरेत पाली मठ और आसपास के इलाके की रौनक अब दिखने लगी है। यहाँ 12 से 17 मई तक श्री बागेश्वर धाम सा नज़ारा दिखेगा। आयोजकों के मुताबिक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना से ही हर दिन कथा स्थल तक जाएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की इंतजाम की गई है। आपको बता दें, पटना से कथा स्थल तक जाने के दौरान उनके साथ 11 लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलेगा और वैसे प्रशासन ने भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष राजशेखर और होमगार्ड के रिटायर्ड ADG अरविंद ठाकुर ने बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 12 मई की शाम पटना पहुंचेंगे। हालांकि आयोजकों ने यह स्पष्ट नहीं बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना में कहां ठहरेंगे। हो सकता है कि सुरक्षा बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर खुल के नहीं बताया कि वो पटना में तो ठहरेंगे, ये तो बता दिया लेकिन पटना में कहां ठहरेंगे ये नहीं बताया गया। आपको बता दें, 12 मई की सुबह नौबतपुर थाना के पास मोतेपुर गांव से कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 7500 कलश के साथ महिलाएं शामिल होंगी। तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए करीब 30 एकड़ जमीन को दुरुस्त किया गया है, जहां 3,00,000 वर्ग फीट में पंडाल लगाया गया है और 5,000 वर्ग फीट में मुख्य मंच होगा, जहां से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा सुनाएंगे। इस दौरान 3,00,000 लोगों के आने की अनुमान है। तो वहीं कथास्थल पंडाल में ही 15 मई को दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और उसमें कई लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अर्जी उसी की लगेगी जिसका नाम बाबा पुकारेंगे। अब आपको बताते हैं कि कथास्थल पर कैसे जाना है। तो देखिए, कथास्थल नौबतपुर की तरेत पाली मठ तक पहुंचने के लिए रास्ते में यातायात को लेकर बदलाव किया गया है, जहां एम्स के आगे भूसौला दानापुर से नौबतपुर तक नहर वाली रोड को वन वे किया गया है और इस रोड में 13 से 17 मई तक विक्रम की तरफ से आने वाले नौबतपुर से NH 139 की तरफ से मोड़ दिए जाएंगे। तो फिर पटना से कथास्थल जाने वाले वाहन भी वापसी में NH 139 होकर ही लौटेंगे। आपको बता दें, कथा से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक जानीपुर नौबतपुर रोड भी बंद रहेगा। तो वहीं सरेत गांव से पहले वाहनों को रोक दिया जाएगा। अब पार्किंग की क्या व्यवस्था है, अब आपको बताते हैं। देखिए, कथा स्थल पर बीटा सरमेरा 4 लेन से आने वाले वाहनों की पार्किंग दक्षिण तरफ होगी, जहां वहां से डायवर्जन दिया गया है। तो वहीं पटना से नहर रोड से जाने वाले वाहनों के लिए यानी लोगों के लिए 6-7 जगह छोटी नहर को काट कर रास्ता बनाया गया है, जहां से वाहन मठ के पीछे यानी उत्तर तरफ की खाली जमीन में बनी पार्किंग में जा सकेंगे। तो वहीं जानीपुर नौबतपुर के रास्ते आने वाले वाहनों की पार्किंग तरेत गांव से पहले होगी, जहां कथास्थल के आसपास 3 जगह पार्किंग होगी यानी 20,000 वाहन खड़े हो सकेंगे। आपको बता दें, कथास्थल पर श्रद्धालुओं की एंट्री और वाहनों की पार्किंग बिल्कुल फ्री है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें बिहार संवाददाता के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।